आप सभी लोगों का द्विवेदी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर में, अपने परिवार में अच्छे से रह रहे होंगे और खुश होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो डिफरेंस क्या है आखिर मेरिस्टमैटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दरअसल ये टॉपिक जो है अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है और डिफरेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करीबन जो है हमें 4 तो लिखने ही होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 डिफरेंस यहाँ पर लिख रखे हैं, वैसे मैं और भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और आपका है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में क्या है, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल स्फेरिकल एंड द पॉलीगोनल अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है इससे बना होता है, किससे बना होता है, स्मॉल स्फेरिकल, स्मॉल माने छोटी, स्फेरिकल माने होता है गोल, स्फेरिकल मतलब बॉल की तरह, बट स्फेरिकल और पॉलीगोनल, और पॉलीगोनल शेप के से मिलकर के बना होता है, लेकिन इस तरह से पॉलीगोनल शेप होती है। तो इस पॉलीगोनल शेप का ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं, स्फेरिकल बॉल की तरह स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब हो गया इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, जब ज़्यादा प्रकार की ये नहीं पाई जाती, बहुत सारे टाइप की नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज डिफरेंशिएटेड विद द डिफरेंट शेप, डिफरेंशिएटेड सेल लिख लेना, ठीक है, विद द डिफरेंट शेप और अलग अलग शेप की होती है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ द लार्ज डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये दरअसल क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह की सेलों से मिलकर के बने होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है विभेदी, मतलब विभिन्न प्रकार की, डिफरेंशिएटेड सेल से मिलकर के बने होते हैं विद अ डिफरेंट शेप और अलग अलग शेप होती है। तो शेप में एक निश्चितता नहीं होने की वजह से, बहुत सारी शेप होने की वजह से इन सारी शेपों को यहाँ पर नहीं बनाया सकता ना बताया जा सकता है सारी की सारी को, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये लिख करके छोड़ दिया कि इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ द लार्ज डिफरेंशिएटेड सेल। ये बहुत सी प्रकार की सेलों से मिलकर के बना होता है विद अ डिफरेंट शेप और बहुत ही अलग अलग शेप वाली सेलों से मिलकर के ये बना होता है, कौन आपका परमानेंट टिश्यू। अगला टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म इज डेंस वैक्यूल्स नियरली एब्सेंट। दरअसल क्या होता है कि साइटोप्लाज्म इसका जो होता है बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है, डेंस का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे कि आपका शहद है और पानी देखा जाए तो शहद आपका बहुत ज़्यादा डेंस है लेकिन वाटर आपका डेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म यहाँ कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है, और अमीबा जैसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव हैं तो वैक्यूल्स के अंदर फूड का डाइजेशन भी होता है, तो वैक्यूल यहाँ नियरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसके अंदर, मेरिस्टमैटिक टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स अकर्स, लार्ज माने बड़ा, सेंट्रल बीच में, वैक्यूल्स अकर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूल्स सेंटर में सेल के अंदर पाया जाता है इन द लिविंग परमानेंट सेल के अंदर, ठीक है। तो लिविंग परमानेंट जो सेल हैं आपकी दो तरह की होती हैं, ये आपकी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है लिविंग होता है, एक होता है नॉन लिविंग में, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लिविंग की, तो लिविंग परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती हैं, लिविंग परमानेंट टिश्यू की सेल होती हैं, हम ये लोग जानते ही हैं कि टिश्यू जो होते हैं वो सेल के मिलकर के बने होते हैं। बहुत सारी सेलें जब क्लस्टर में आ जाती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तब जा करके एक टिश्यू बनता है। तो परमानेंट सेलें ही क्या बनाती हैं, परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। तो यहाँ जो परमानेंट सेल होती हैं उनके सेंट्रल में, उनके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, तो इसलिए लिखा है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, अकर्स इन द लिविंग परमानेंट सेल, लिविंग परमानेंट सेल के अंदर ये पाया जाता है। अगली बात करते हैं इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है सेल के अंदर की जो जगह होती है, जैसे मान लो कि ये सेल है ये, और एक सेल यहाँ और एक सेल यहाँ, तो ये बीच में जगह रहेगी ना छोटी सी, तो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है आर एब्सेंट, इन सेलों में एब्सेंट होता है, उसकी वजह क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है तो ये सेल थोड़ा सा लच करके इसके अंदर तक चली जाएगी और बिल्कुल भी जो जगह है वो खत्म हो जाएगी,
ठीक है। तो ये सेलें फ्लेक्सिबल होने की वजह से आपस में पूरी तरह से चिपक जाती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, सेलों के बीच का जो खाली जगह है, सेलों के बीच में जो खाली जगह होती है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस, यहां तक तो आपका ये लिखा हुआ है इंटर और ये लिखा हुआ है सेलुलर। इंटरसेलुलर स्पेस आर यूजली प्रेजेंट। दरअसल क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादातर इसमें प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह क्योंकि ये सेल वाल जो होती है इनकी हार्ड होती है, हार्ड सेल वाल की वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचीली नहीं होती है, और लचीली नहीं होंगी तो बीच में जब ये आपस में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती हैं तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं जगह खाली रह जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं होती और फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से ये पूरी तरीके से स्पेस को नहीं घेर पाती हैं, तो बीच में इनके क्या रह जाती है, खाली जगह रह जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें क्या होता है, परमानेंट टिश्यू में आपका प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं सेल वॉल। सेल हैव थिन एंड द इलेप्टिक सेल वॉल। तो सेल के पास में ऐसी जो सेल होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल होती हैं उनके पास इलेप्टिक और पतली सेल वॉल होती है। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी इलेप्टिक का मतलब होता है लचीला, मीनिंग बताएंगे अभी आपको, उसमें आप लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से किस वर्ड का क्या मीनिंग है, हो सकता है कई ऐसे वर्ड होंगे यहाँ पर जो आपको परेशान करेंगे तो मैं पहले से इनको बता दूंगा। तो फिलहाल सेल हैव द थिन एंड द इलेप्टिक सेल वॉल। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब पतली होती है और बहुत ज्यादा लचीली होती है। यहाँ पर सेल वॉल मे बी थिन और द थिक। इनमें क्या होता है कि जो तुम्हारे लिविंग परमानेंट टिश्यू है उनकी सेल वॉल थिन होती है और जो तुम्हारे नॉन लिविंग परमानेंट टिश्यू है उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। सेल की वॉल जो होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, लेकिन लिविंग वालों की कैसी होती है, थिन। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है सेल वॉल मे बी हो सकती है थिन और थिक। तो इनकी सेल वॉल मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। न्यूक्लियस ऑफ द ईच सेल ऑफ द दीज टिश्यू आर लार्ज। दरअसल क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ईच सेल ऑफ द दीज सेल टिश्यू आर लार्ज होता है। इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, इन सेलों का जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, किसका, परमा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और इनका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ दिस दीज टिश्यू दीज टिश्यू इज आर, प्लूरल में लिखा है ना हम लोगों ने तो आर लगाना पड़ेगा, तो दीज टिश्यूज आर लेस कॉन्स्पिकस का मतलब होता है कम स्पष्ट होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है छोटा होने की वजह से अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है अस्पष्ट होना, ठीक है, तो सही तरीके से वो स्पष्ट नहीं होता। न्यूक्लियस ऑफ द ईच सेल ऑफ द दीज टिश्यू आर लेस कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस तो हो गया स्पष्ट, लेस कॉन्स्पिकस का मतलब हो गया कम स्पष्ट, मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता, सही से दिखाई नहीं देता। किनका, परमानेंट टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है वो सही से दिखाई नहीं देता, लेस कॉन्स्पिकस होता है, ठीक है। तो ये थे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के डिफरेंस। अब यहाँ पर हम जो बर्ड मीनिंग है, हो सकते हैं आपको प्रॉब्लम करें, तो उन बर्ड मीनिंग को अब हम देखेंगे, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में।